हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर सीरीज़ ऑन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आज की वीडियो में हम आर्किटेक्चरल स्टाइल्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर्किटेक्चरल स्टाइल है क्या। जब हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन फेज़ के अंदर बात करते हैं तो डिज़ाइन फेज़ के अंदर में बहुत सारे प्री डिफाइंड स्टाइल्स मौजूद हैं, आर्किटेक्चर स्टाइल मौजूद हैं। आर्किटेक्चरल स्टाइल्स आर एस्टैब्लिश लार्ज स्केल पैटर्न्स ऑफ सिस्टम आर्किटेक्चर जो कि पहले से मौजूद हैं। दे हैव डिफाइनिंग रूल्स एलिमेंट्स एंड टेक्निक्स दैट रिजल्ट इन डिज़ाइन विद रिकग्नाइजेबल स्ट्रक्चर्स एंड वेल अंडरस्टूड प्रॉपर्टीज़। यानी कि आपके पास ऑलरेडी ऐसे डिज़ाइन मौजूद हैं कि अगर आप कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, तो आप कौन सा आर्किटेक्चरल स्टाइल यूज़ करेंगे उससे आपका जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा इजीली सॉल्व हो सकता है, वो आपको फिर चूज़ करने को मिल जाता है। उसमें से कुछ जो है वो हम कवर अप करते हैं, जैसे कि सम ऑफ देम आर पाइप एंड फिल्टर, क्लाइंट सर्वर, पीयर टू पीयर, पब्लिक सब्सक्राइब, रिपोजिटरीज एंड लेयरिंग। सो लेट्स गो थ्रू देम वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास आता है पाइप एंड फिल्टर। पाइप एंड फिल्टर आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है हमारा, उसमें क्या होता है, उसमें आपके पास जो बॉक्सेस हैं उसको हम कहते हैं फिल्टर, और जो एरोज हैं वो कहलाती हैं पाइप्स। हेंस द टर्म पाइप एंड फिल्टर। तो पाइप जो है वो आपकी इस्तेमाल होती हैं फॉर इनपुट्स एंड आउटपुट्स, और आपका जो फिल्टर्स हैं वो आपकी डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के या प्रोसेसिंग के काम आते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि आप अपना जो फिल्टर है उसको रीयूज़ भी कर सकते हो। अगर कोई एक काम आप दोबारा से करना चाहते हैं तो उसके लिए दोबारा रिकोड करने की ज़रूरत नहीं है, वही फिल्टर आपका दोबारा रीयूज़ हो जाएगा। ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इनपुट आउटपुट बहुत ईजीली आपको यहाँ पर दिख रहा है। द फिल्टर्स कैन बी रीयूज ईजीली एंड सिस्टम एवोल्यूशन इज सिंपल। अगर आपने इसमें इंक्रीज अपने आर्किटेक्चर को बड़ा भी करना हो तो आपने बस पाइप एंड फिल्टर ऐड करना है और ये इसी हिसाब से आगे बढ़ जाएगा। एंड इट कैन ऑल्सो अलाउ कंकरेंट एग्जीक्यूशन, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है मल्टीपल एग्जीक्यूशन साथ में चल रही हैं। मेजर ड्रॉबैक्स इसके क्या हैं कि इट इनकरेजेस बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग का मतलब है कि आप मल्टीपल डाटा को पहले एक साथ कलेक्ट करके फिर आप उसको इनपुट दें, ताकि वो उसकी इनपुट प्रोसेसिंग में वो टाइम वेस्टेज ना हो और तमाम डाटा प्रोसेस होता रहे। तो आप उसको पहले डाटा को फोल्ड करेंगे एक जगह पे और उसके बाद एक साथ भेजेंगे। नॉट गुड फॉर हैंडलिंग इंटरैक्टिव एप्लीकेशन, लाइव एप्लीकेशन के लिए, इंटरैक्टिव एप्लीकेशन के लिए इट्स नॉट दैट सूटेबल। एंड डुप्लीकेशन ऑफ फिल्टर फंक्शंस, ऐसा पॉसिबल है कि आपको कोई ऐसा फिल्टर हो जो 100% सेम ना हो लेकिन थोड़ा बहुत चेंज हो। जब थोड़ा बहुत भी अगर चेंज होगा तो आपने उसमें एक नया फिल्टर बनाना पड़ेगा जिसमें आपको उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो उसमें डुप्लीकेशन ऑलमोस्ट हो जाती है। सो दैट इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। थैंक यू वेरी मच।